हेलो दोस्तों, जिंगॉय का फरवरी महीने का फ्री का गिफ्ट कार्ड ऑफर बताएंगे, उसी के साथ पेटीएम का मैजिक प्रोमो कोड का एक ट्रिक बताएंगे, जिसके संग आप अपने पेटीएम ऐप पे जो नहीं कर सकते बार बार दिखाता है आपके मैक्सिमम टाइम एग्जिट इस तरह के जो दिखाते हैं ये नहीं दिखाएगा, अभी आप जाके भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं एक एक करके ऑफर, उसी के साथ ही आपको बता देते हैं आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के ऑफर को जानने के लिए, ठीक है। और आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो देख के ही छोड़ देते, तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अपने दोस्त भी इस ऑफर को लाभ उठा सकते। तो चलिए शुरू कर लेते। पहले आप गुरुगुरु कॉम ब्राउजर पे आ जाइए और उसी के संग आपको इधर लिख लेना है जिंगॉय, ठीक है। जिंगॉय लिखने के बाद ही आपको दिख जाएगा इस ऑफर का मजा भी आप इधर से ही उठा सकते हैं। आ जाइए जिंगॉय पे और आपको एक एक करके बता देते हैं, ठीक है। तो जिंगॉय ब्राउजर पे लिख के ओपन करने के बाद ही आपको ऊपर ही एक बैनर दिख जाएगा। देखिए बैनर चला गया, फास्ट बैनर है, गेट 80% कैशबैक यूजिंग फोन पे भीम यूपीआई ऑप्शन ऑन जिंगॉय। और इसके अंदर आने से ही आपके पूरे जो इसका ऑफर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है पता चल जाएगा। ये जो बैनर जितने दिन दिखे उतने दिन तक ही वैलिड है, 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक इधर लिखा है, मगर जितने दिन इधर दिखे उतने दिन तक जाके ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, इसमें लॉगिन हो जाते हैं। आपके पास जिंगॉय का अकाउंट नहीं है तो आप नीचे से जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप साइन अप कीजिएगा तो आपको 50 रुपये बिल्कुल ही मुफ्त में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जिंगॉय में मेरे तो अकाउंट है तो मैं अभी इधर साइन ऑन हो जाता हूँ और जाके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी साइन इन हो जाने के बाद आपको ऊपर जो बैनर दिखेगा उसके ऊपर आपको जाके टैप करना है। अभी इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो आपको बहुत सारे गिफ्ट कार्ड सामने आ जाएगा, और अमेजन पेटीएम का तो गिफ्ट कार्ड अभी आप नहीं खरीद सकते, तो अभी आपको इधर से जाके जिंगॉय का ही गिफ्ट कार्ड खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जिंगॉय का गिफ्ट कार्ड 10 रुपये से शुरू होता है। तो 10 रुपये का जिंगॉय का गिफ्ट कार्ड इधर से ढूंढ लेते हैं और उसके बाद ही जाके आपको दिखाते, ठीक है। ये देखिए 10 रुपये का गिफ्ट कार्ड है इधर, तो इसको जाके ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अभी कार्ट पे आ जाएगा और कार्ट पे आ जाने के बाद इसको खरीद लेते, और जिंगॉय में अभी मेरे कैश है तो उसको भी आपको अनचेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जिंगॉय कैश को पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले उसको अनटिक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आप देखिए नीचे लिखा है यूज जिंगॉय अर्निंग, इसको हटा देना है। हटाने के बाद क्योंकि आपको फोन पे से पेमेंट करना है तो ही आपको 80% के हिसाब से आपको 10 रुपये का गिफ्ट कार्ड खरीदेंगे तो आपको 8 रुपये फोन पे से कैशबैक मिल जाएगा, आपको 2 रुपये पेमेंट करने से ही मिल जाएगा, ठीक है। तो भी आ जाते और प्रोसेस टू पे करते। प्रोसेस टू पे करने के बाद अभी इसके अंदर ही आपको दिख जाएगा, ये देखिए ऑफर, फ़ोनपे और भीम UPI 80% कैशबैक अप टू 10 ऑन जिंगॉय UPI ऑर्डर ओनली। तो आपको अप टू 10 रुपीज़ दिया जाएगा, ठीक है। तो आप 14 रुपये का भी गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं, क्योंकि 14 रुपये का ऊपर आप खरीदेंगे तो भी आपको बहुत सारे मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार हिसाब करने दीजिए उसके बाद ही आपको बताते, 14 रुपये का गिफ्ट कार्ड खरीदने से आपको 80% के हिसाब से आपको होता है 11 रुपीज़ 20 पैसे, मगर आपको इधर 10 रुपीज़ ही मैक्सिमम दिया जाएगा, इसके मतलब आपको 4 रुपीज़ लॉस होगा। तो वो नहीं, 14 रुपये का नहीं खरीदते तो अभी जाके 10 रुपये का ही खरीद लेते, इसमें ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि 10 में आपको 80% के हिसाब से आपको 8 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पे कर देते हैं और पे करने के बाद ही देखते, प्लीज़ वेट लिखा है, अभी जाके पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाने के बाद ही आपको दिखाएंगे, ठीक है। ऊपर शायद को अपडेट चल रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते और देखते। अभी आप देख सकते हैं ये प्रोसेस चालू हो गया है, अभी जाके आपको पेमेंट कर देना है। फिर से वही पेज पे आ गया है, पहले एक एरर मैसेज दिखाया था तो अभी भी कार्ट पे है, तो जाके एक बार चेक करते। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ भी दिक्कत नहीं है, इधर जाके आपको फ़ोन नंबर बिठाना पड़ेगा। कुछ दिक्कतें आ रही थी पहले,
एरर दिखा रहे थे, अभी जाके इधर फ़ोन नंबर बिठा देते और ओटीपी सेंड कर देते, ठीक है, तो हो जाएगा पेमेंट और सक्सेसफुल करने के बाद ही आपको दिखाते हैं। तो फ़ोन नंबर बिठाने के बाद ओटीपी भेजते हैं। अभी आप देख सकते हैं ओटीपी मिलने के बाद अभी आपको इधर से वॉलेट और गिफ्ट बैलेंस से करना पड़ेगा, ठीक है, और गिफ्ट वाउचर पे जो बैलेंस है उससे ही पेमेंट कर देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको हटाते हैं एक बार और एक बार देखते हैं फ़ोन पे ऐप पे जाके, ठीक है, क्योंकि आप इधर सीधे ही पेमेंट कर देंगे तो आपको शायद ये ना मिले। तो आपको फ़ोन पे ऐप पे जाने के बाद ही देखिए, नीचे अभी आ गया है ऑफ़र अप्लाइड कैशबैक 8, ठीक है, तो इसके मतलब हुआ आपको फ़ोन पे ऐप पे ही जाके पेमेंट करना पड़ेगा। आप वॉलेट और वाउचर पे जाके पेमेंट करेंगे तो आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अभी देखिए नीचे कुछ भी नहीं लिखा दिखा रही है, तो आपको फ़ोन पे ऐप पे ही जाके पेमेंट करना है। तो पे करने के बाद आपको इधर वेट करना है और आपको उधर एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, उस नोटिफिकेशन पे जाके आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो आ जाते हैं और जाके पेमेंट कर देते। अभी फ़ोन पे ऐप पे आपको जाना है और जाके पेमेंट कर देना है, ठीक है। फ़ोन पे ऐप पे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर घंटी का जो आइकॉन है उस घंटी का आइकॉन के ऊपर एक लिखा है, इसके मतलब आपको एक नोटिफिकेशन मिल गया है। अभी आपको जाके उधर एक रिक्वेस्ट मिलेगा, अभी जाके इस रिक्वेस्ट को पेमेंट कर देना है। पे करेंगे तो आपके सामने पेज आ जाएगा और आपको वॉलेट बैलेंस से पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, लोडिंग के बाद पेमेंट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अभी आप देख सकते आपके पास इधर वॉलेट बैलेंस पे मेरा 53 रुपीज़ है, तो वॉलेट बैलेंस से हटाना नहीं है, वॉलेट बैलेंस से ही पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो अभी जाके वॉलेट बैलेंस से ही पेमेंट कर देते और देखते। अभी वॉलेट बैलेंस से पेमेंट करने से शायद ये काम नहीं करेगा। अभी आप देख सकते हैं वॉलेट बैलेंस का जो ऑप्शन था वो हटा दिया था, तभी इधर आपको नहीं दिखा रहा था। अभी देखिए नीचे जब ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिख दिया है तभी आपको ये दिखाया जा रहा है। तो फिर से एक बार इधर ट्रिक है कुछ, तो इधर एक बार जो इन्फॉर्मेशन है एक बार देख लेते, वॉलेट बैलेंस से ही पेमेंट करने के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये तो एक ही बार आपको मिलेगा। तो अभी जाके पेटीएम पेमेंट्स बैंक से ही पे कर देते हैं। आप वॉलेट बैलेंस से भी करके देख सकते हैं ट्राई, नहीं तो आपको दो बार खरीदना पड़ेगा और आपको एक ही बार मिलेगा ये ऑफ़र जो है, आपको एक ही बार यूटिलाइज़ करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो आ जाते और UPI से पेमेंट कर देते। अभी आप देख सकते ट्रांजैक्शन पेंडिंग में है, ट्रांजैक्शन जब सक्सेसफुल हो जाएगा आपको ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंड लेटर करते और अभी हिस्ट्री में जाके चेक करते कैशबैक मिला है या नहीं। हिस्ट्री पे आ जाते हैं, ये देखिए हिस्ट्री पे आने के बाद आपको दिखाया जाएगा आपको कैशबैक रिसीव हो चुका है, ठीक है। और कैशबैक फॉर्म फ़ोन पे आपको क्रेडिट कर दिया गया है 8 रुपीज़, इसके मतलब आपको 2 रुपीज़ देने से ही हो जाएगा। अभी जाके हम लोग मैजिक प्रोमो कोड का जो ट्रिक है उसके बारे में जान लेंगे। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, थोड़ा सा स्किप करके बता देते, ठीक है। पेटीएम को आपको कभी भी ऐप से ओपन नहीं करना है, पेटीएम को आपको ब्राउज़र से ओपन करना है, क्रोम ब्राउज़र पे जाके ओपन करना है। और आपको जाके इधर ये जो डेस्कटॉप साइट है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, डेस्कटॉप साइट पे आपको आ जाना है। डेस्कटॉप साइट पे आ जाने के बाद आपको इधर साइन इन कर लेना है, आप बारकोड से भी और जो QR कोड होता है उससे भी साइन इन कर सकते हैं और आप OTP भेज के भी कर सकते, ठीक है। तो चलिए साइन इन कर लेते और आपको जाके दिखाते। फिर से पेज को आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार रिफ्रेश कर लेना है, तो आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस आ जाएगा। और अभी देख सकते हैं ये मेरा लॉगिन अकाउंट है, नहीं तो आपको दाएं तरफ ऊपर जो चीनी है साइन इन और साइन आपका उधर आपको मिल जाता है, उधर से जाके आप साइन इन हो जाएंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाया जाएगा, ठीक है। अभी जाके इसको बड़ा कीजिए थोड़ा सा और आपको जाके इधर कुछ लिख देना है, तो
आपको नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके डायरेक्ट ही इधर कॉपी करके उस लिंक को खरीद सकते, ठीक है, ब्राउजर पे जाके। और आपको एक ही तरह से रिफ्रेश करना है, ठीक है। अभी जाके मैं इधर आपको लिख के दिखाता हूँ। आपको इधर लिखना है पिज्ज़ा हट कैशबैक अप टू, जल्द से जल्द दिख लेता हूँ उसके बाद ही दिखाता हूँ। तो आपको इस प्रकार से डील पेज पे आ जाना है, क्योंकि अभी जो पिज्ज़ा हट, आर्चीज, पीटर इंग्लैंड सभी जो है स्टॉक आउट हो चुका है, इसलिए मुझे नहीं दिखा रही है, मैं दूसरे फ़ोन से चेक कर चुका हूँ। तो जब आ जाएगा कुछ ही दिन में ही स्टॉक आ जाएगा, ये बार बार स्टॉक आउट होता है फिर से आ जाता है। तो इस प्रोसेस से कीजिएगा तो आपको कभी भी मैक्सिमम लिमिट, एग्जिट एग्जिट इस तरह के बात नहीं बताएंगे। तो इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।